तो दोस्तों आज का ये वीडियो किसी भी मछली के टॉपिक के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं क्या बोलूँगा, मेरा जो एक प्रॉब्लम आया है उसके ऊपर आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप लोगों का मदद चाहिए। तो उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ पहले, उसके बाद बोलूँगा क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यूट्यूब से पेमेंट लेने के लिए पैन कार्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासवर्ड वगैरह, ये सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। इसमें से कोई एक चीज़ अगर हो जाएगा तो काम बन जाता है। तो मेरा इसमें से एक भी चीज़ नहीं था, ना ही मेरे पास वोटर कार्ड है, ना ही मेरे पास पैन कार्ड है, ना ही मेरे पास पासवर्ड वगैरह कुछ भी है। तो मेरे के पास ये दिक्कत आ गया है। यूट्यूब जब मोनेटाइज हो जाता है, मतलब जब 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर आपका सब्सक्राइबर हो जाता है और कुछ वॉच टाइम वगैरह चाहिए होता है, तो वो सब मेरा हो गया था। अब हो जाने के बाद यूट्यूब से मेरे पास मेल आया था, ठीक है। अब मेल में कुछ लिखा था कि आपको पैन कार्ड वगैरह ये सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। अब मैंने उस तब मेरे को उतना कुछ पता नहीं था, तो मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, दोस्तों यूट्यूब ने मेरा जो चैनल है वो पूरा बंद कर दिया। अब बंद कैसे किया है दोस्तों, मेरा जो पेमेंट है वो पूरा रुक चुका है, अभी जो डॉलर है वो बन नहीं रहा है, ठीक है। और वीडियो में भी रीच मतलब कम कर दिया है, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। तो इतना सारा मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ दिनों से देख रहे हो आप लोग, वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी तो कुछ दिनों से वीडियो आ रहा है, मगर 3 दिन गैप गया था, ठीक है। बीच का जो 3 दिन गैप गया था, वो 3 दिन मैं थोड़ा सा दुख में था, मतलब मेरा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है, ये देख के मैं थोड़ा दुख में था, ठीक है। तो जो लोगों को भी दोस्तों ये यूट्यूब वगैरह के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, ज़रूर से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी को मछली ख़रीदना है तो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसी नंबर से। और किसी को अगर यूट्यूब के बारे में नॉलेज है, मतलब कैसे ये सब ठीक करते हैं, ज़रूर से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये अब मेरा जो ये चैनल है, पता नहीं क्या होगा, मतलब मैं तो रिकवर कर लूँगा शायद से, रिकवर मतलब चैनल तो रहेगा, ठीक है। चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है, चैनल रह जाएगा, चैनल डिलीट नहीं होगा, मगर चैनल से जो अर्निंग होता है मेरा वो रुक चुका है, ठीक है। अब वीडियो बनाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब थोड़ा सा डॉलर बन रहा था, पैसा आ रहा था, तो मज़ा आ रहा था वीडियो बनाने में, और आप लोग तो प्यार दिखा ही रहे थे तो मज़ा आ रहा था। मगर अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी डॉलर नहीं बन रहा है तो वीडियो बनाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल मैं अपना बोल देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता था पहले, देखो जब डॉलर मतलब पहले मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ, ठीक है, आप लोगों को कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, मैं सीधा बोल देता हूँ इस वीडियो में। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था पहली बार, तब मैंने क्या किया था दोस्तों, दिन में दो वीडियो आप लोगों के लिए लाया था, ठीक है, हर दिन दो वीडियो। अब बहुत सारे लोग अब बोलेगा कि भाई तू सिर्फ पैसा कमाने के लिए 2 वीडियो ला रहा था, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के वजह से भी मैं 2 वीडियो ला रहा था। यूट्यूब से जितना अर्निंग होता है उतना वैसा कुछ बात नहीं है, बहुत कम अर्निंग होता है, ठीक है। मैं दूसरे चैनल पे मेरा जो ब्लॉग चैनल है उसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे कितना पैसा आप कमाते हो उसके ऊपर वीडियो बनाने में यूट्यूब मतलब रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। मगर किसी का अगर जानना है तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मैं फास्ट कमेंट पे डाल दूंगा, तो जाके मेरा ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो, उस पर मैं आराम से आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कितना अर्निंग होता है, कितना व्यूज़ पे कितना पैसा देता है, वो सब कुछ बता दूंगा। अभी हुआ दोस्तों क्या, जब मेरा चैनल पहली बार मोनेटाइज हुआ था, मैं दिन में 2 वीडियो ला रहा था। पहली बात, आप सब लोगों का प्यार भी आ रहा था भर भर के, आप सब लोग इतना सारा सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को भी वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा था, और ऊपर से दोस्तों पैसा भी आ रहा था, डॉलर भी बन रहा था, ठीक है। मतलब चारों तरफ से फ़ायदा हो रहा था, मज़ा भी आ रहा था, और आप लोगों का भी बहुत सारा हेल्प हो रहा था, ठीक है, चारों तरफ से फ़ायदा हो रहा था। अब दोस्तों मेन दिक्कत यहाँ पे आ गया, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया मेरे ही गलती के वजह से, ठीक है, मेरे आलसी की वजह से। मतलब मैं इतना आलसी हूँ, मेरे को जब पता चला कि पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा तब भी मैं घर से निकला नहीं, ठीक है। ज़्यादातर टाइम मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए घर पे ही वीडियो बनाता हूँ, वहीं पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इतना आलसी होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। अभी मैंने पैन कार्ड बनाने के लिए गया था, उसके उधर वहाँ पर बोल रहा है कि मेरा जो आधार कार्ड है वो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बायोमेट्रिक्स क्या बोला पता नहीं, वो अपडेट करना पड़ेगा। वो अपडेट करने के लिए 28 दिसंबर को मेरे को जाना पड़ेगा, और 28 दिसंबर से पहले मेरा पैन कार्ड बन नहीं सकता है। उसके बाद मेरे को पैन कार्ड देगा, मतलब 28 तारीख को दिसंबर के, मतलब इस 28 तारीख को मेरे को जाना पड़ेगा। उसके बाद मेरा आधार कार्ड अपडेट होगा, उसके बाद मेरा पैन कार्ड अपडेट होगा, ठीक है। मतलब अभी समझो, अभी तारीख कैसा है, तारीख अभी 18 तारीख है, ठीक है।
18 दिसंबर है यानी कि 18 दिसंबर है। उसके बाद दोस्तों 10 दिन और उधर फिर से 10 दिन मतलब 20 दिन के बाद शायद से मेरा पैन कार्ड आएगा, ठीक है। तो मेरे को अभी पता नहीं है कि 20 दिन के बाद अगर मैं यूट्यूब पे पैन कार्ड अपलोड करूँगा तो फिर मेरा चैनल पे मोनेटाइजेशन रहेगा या नहीं, ठीक है। फिलहाल तो मोनेटाइजेशन पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। जिन लोगों को यूट्यूब के बारे में थोड़ा पता है उन लोगों को शायद मेरी बातें समझ में आ रहा है, और जिन लोगों को यूट्यूब के बारे में पता नहीं शायद वो लोग सोच रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा चैनल फ़िलहाल तो डीमोनेटाइज हो गया है, कोई ऐड वगैरह आ नहीं रहा है, ठीक है। इससे एक फ़ायदा ये है कि मेरा वीडियो में कोई ऐड नहीं आ रहा है, आप लोग मज़े से देख पा रहे हो। मगर थोड़ा बहुत ऐड आता था तो मेरे को थोड़ा इनकम भी होता था, वीडियो बनाने में और मज़ा आता था, ठीक है। देखिए ऐसा बात नहीं है कि मैं YouTube पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। जितना पैसा YouTube से मेरा आता है उतना पैसा से ज़्यादा पैसा मेरा ये फीस सेलिंग से आ जाता है, ठीक है। मैं फालतू में YouTube पे मेरा सीक्रेट वाला चीज़ है जो सीक्रेट में इतना 8 साल 10 साल इससे मैंने सीखा है तो वो बताऊंगा क्यों, ठीक है। सिर्फ पैसों के लिए कोई बताएगा नहीं, ठीक है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के वजह से ही मैं YouTube पे अपना जो सीक्रेट बातें था वो मैंने बताया था, ठीक है। सिर्फ YouTube पे ग्रो करना पैसा कमाना ये मेरा कभी भी मोटिव नहीं था। मेरा मेन मोटिव था आप लोगों के लिए सपोर्ट, मतलब आप लोगों का जो फीस भी है उसको सपोर्ट करना। क्योंकि YouTube पे खुद मैं देखा था मेरे को जब बीडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, YouTube पे मैंने सर्च किया था, मेरे को एक भी वीडियो इस टॉपिक पे नहीं मिला कि किस तरीके से बेटा फिश का बीडिंग अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है। हर लोग बोल रहा है कि इस तरीके से बीडिंग करो, मेल फीमेल को इंट्रोड्यूस करो, ये करो वो करो, बीडिंग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं कर रहा था कि मेल जब बेटा फिश जो एक खा लेता है या फिर फीमेल बेटा फिश के ऊपर अटैक कर देता है, कभी कभार फीमेल बेटा फिश जो है वो अंडा नहीं देना चाहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लाइक अगर बीडिंग अच्छे से कर लेते हो तो फ्राई मर जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। वो सब प्रॉब्लम के ऊपर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है। तो वो सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया था। और दोस्तों मेरे को ये लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला था कि भाई आपका वीडियो देख के मैंने बेटा फिश का बीडिंग स्टार्ट किया है। कुछ लोगों ने बोला कि भाई आपका वीडियो देख के ही मेरा बेटा फिश का बीडिंग सक्सेसफुल हुआ है। तो ये सब कॉमेंट देख के भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो रही बात दोस्तों मेरा चैनल का, जिसको भी पता है कि क्या करना चाहिए मेरे को अभी, वो मेरे को कांटेक्ट करो। व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दे दिया स्क्रीन पे, तो जाके मेरे को कांटेक्ट करो, मेरे को क्या करना चाहिए अभी लिखो। अगर 28 तारीख के बाद मैं पैन कार्ड दिखाऊंगा तो क्या मेरा चैनल ठीक ठाक रहेगा तो मेरे को पता नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ, मेरे को ये यूट्यूब वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो डालना, थंबनेल बनाना ये सब पता है, मगर यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन वगैरह वो सब मेरे को उतना अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। तो जिसको भी पता है, कोई बड़ा यूट्यूबर अगर देख रहे हो, बड़ा यूट्यूबर मतलब जिसको पेमेंट वगैरह एक बार मिल चुका है, ऐसा मतलब पैन कार्ड वगैरह आप लोग अपलोड कर चुके हो यूट्यूब पर, ऐसा कोई अगर देख रहे हो तो ज़रूर से मेरे को कॉन्टैक्ट करना। मैं अभी मुसीबत में थोड़ा सा फंस चुका हूँ। तो फिलहाल वीडियो में आप लोगों को यही बताना था। और अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर ठीक है, मेरा अकेले का नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल पे 3K सब्सक्राइबर हो चुका है, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3K अभी मैं रास्ते में वीडियो बना रहा हूँ, पता है, क्योंकि एक दोस्त मेरे को मतलब घूमने के लिए बुलाने आया था, तो मेरा पूरा गैंग आ गया था घूमने के लिए, और मेरे को घूमने भी आना था और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना था। तो मैंने क्या किया दोस्तों, फ़ोन उठा के आ गया और वीडियो बनाने के लिए रास्ते में एक खाली जगह देख के रुक गया हूँ और वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो इतना ही आप लोगों को बोलना था कि किसी यूट्यूबर को अगर इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिखा दिया है, मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो। तो यही था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल वीडियो में, कल एक कमाल का वीडियो आने वाला है, ठीक है। आज के वीडियो में तो फीस वगैरह के बारे में ज़्यादा बताया नहीं, कल एक कमाल का वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा एक्वेरियम सॉइल, यानी कि जो सॉइल आप लोग खरीदते हो ना पैसा दे के, 2200 रुपये 2500 रुपये किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से बेचता है प्लांट लगाने के लिए एक्वेरियम में, तो वो सॉइल को किस तरीके से आप घर पे बना सकते हो फ्री में, ठीक है। मेरे लिए तो वो फ्री है, मगर आप अगर कहीं से जो गार्डन सॉइल होता है मतलब जो पेड़ पौधे लगाने के लिए जो मिट्टी होता है वो अगर कहीं से जुगाड़ कर पाते हो तो मैं उससे पूरा बनाना सिखा दूँगा, ठीक है। तो वो वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं वो वाले वीडियो में, टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, बाय बाय।